तो अभी हम निकल रहे हैं नेपाल का टूर करने फ्रॉम एम्स, और मैं, प्रदीप भाई और जायद भाई तीनों जाएंगे। प्रदीप भाई के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो अभी उनका 50-50 लग रहा है। देखो ट्रिप बहुत लंबा है, कुछ निकल रहे हैं। प्रदीप भाई नहीं जा पा रहे और प्रदीप भाई के कोई घर में कुछ समस्या आ गई जिस कारण से नहीं जा पा रहे बट प्रदीप भाई को मिस करेंगे। बट इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अच्छे वीडियोस देखने के लिए। एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया भाई का चैनल है एंड वी लव भाई, विल मिस यू, वी विल मिस यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओह, मैं और जायद भाई निकल गए हैं अभी आए ट्रिप के लिए। 28 से 8 तारीख तक का ट्रिप कवरिंग पोखरा, मुक्तिनाथ, रारा, एक आध जगह अगर और हो सकेगी तो पॉसिबली वी विल ट्राई टू डू। बट जो मौसम के प्रेडिक्शन है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। नेपाल में बारिश प्रेडिक्ट करी हुई है तो पॉसिबली कहीं कीचड़ ना मिले, होपफुली तब तक सूख जाए, पर जो भी है अब तो देखा जाएगा। तो यही सोचा है। तीनों ने निकलना था, फिर प्रदीप भाई का कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं गए। अब हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों ने विंटर स्पीति किया था, अब ये भी विंटर स्पीति के बाद दोनों ये पंगे वाला ट्रिप करने फिर चल पड़े हैं पर ठीक है, मैंने भी बड़ा रिस्क लिया है। मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं दिसंबर में और मैं मुंह उठा के घूमने निकल गया हूँ। चलो देखी जाएगी जो होगा, तो होपफुली लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोज। अभी कितना बज गया, ऑलमोस्ट शायद सो लग रहा है। रास्ते में बारिश हुई है, आगे बारिश मिलने के आसार लग रहे हैं। लगता है 15-20 मिनट पहले ही बारिश हुई है यहाँ पे। काले काले बादल तो हो गए हैं, सामान ना भीग जाए, बाकी तो ठीक है यार। यार वो अंदर ही पड़ा है सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली, उसको ऊपर रखना चाहिए था मुझे। एक्सप्रेस वे लेंगे और 185 किलोमीटर आगरा है यहाँ से, आगे 300-400 किलोमीटर शायद लखनऊ है वहाँ से। बारिश हो रही है एक्सप्रेसवे पे, तो हमने प्रिवेंटिव स्टेप लेते हुए पहले से ही पहन लिए अपने रेन गियर्स। अब पसीने तो बहुत आ रहे हैं रेन गियर में, लेकिन फिर भी ठीक है, भीगने से अच्छा है। माइक को भी उतारना पड़ा, माइक वाटरप्रूफ नहीं है, तो अभी चल रहे हैं फिर आगे। तो पहला टोल प्लाजा पार किया, पता नहीं है भाई इसमें घड़ी गड़बड़ हो रखी है हमारी। 247 भाई, चलो कैसे चलते हैं आगे की। मौसम तो ब्रेकफास्ट जैसा ही होता है। मथुरा से पहले मथुरा आ गए, अभी मथुरा के आसपास हमने खाने के लिए रुके हैं और लगता है खाना मिल गया है। अभी खाना खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ तक जा सकते हैं। छोले भटूरे भी है सर, कितना देर लगेगा? चलो ठीक।
करते ही नहीं है, कह रहे मैं एडवेंचरिस्टिक हूँ, एडवेंचर वॉयजर्स के मालिक। अब ये छोले भटूरे और ये सब खाएंगे। तो बहुत भूख लग रही थी यार सच्ची, बारिश में देखते देखते भूख। ये देखिए जाए भाई अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं खाने को दिया, कहते हैं कॉफ़ी से काम चलाओ, मैं बेचारा अकेला ये सिर्फ कॉफ़ी पी के काम चला रहा हूँ, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। ये देखिए जाए भाई को अभी खा पी के निकलते हैं, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है अभी भी, शायद 400-500 किलोमीटर और बचा हुआ है, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। बस अब 6-8 के बीच या तो अंडे मारते हैं या पत्थर मारते हैं या सड़क पे कील बिछा देते हैं। ओहो ठीक है ठीक है, चलो चलो। तो अभी हम निकल रहे हैं एक और इसे पार करके, ऑलमोस्ट शायद आगरा का था क्या ये, आगरा का टोल पार कर लिया, अब हम आगरा का टोल पार करके अब हम लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे थोड़ा देर में, अभी तो टाइम है, अभी 4-5 किलोमीटर और होगा। रेन थी काफ़ी सारा रास्ता तो हमने बारिश में कवर किया है, तो बारिश में काफ़ी रास्ता तय करने के बाद, नहीं नहीं वीलॉगिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ उसमें बोल रहा हूँ। लेकिन अभी भी बादल तो छाए हुए हैं देखो, पर काफ़ी रास्ता हमारा बारिश में बीत गया, अभी आगरा ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अब आगरा एक्सप्रेसवे छोड़ के अब हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ने की सोच रहे हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे यहाँ से लेफ्ट है, अब हम एक अच्छा अभी तो सीधा चलना है, जायद भाई को कंफ्यूजन हो गई थी। अभी शायद आगे है लखनऊ एक्सप्रेस वे, सामने आ रहा है वो है अब लखनऊ एक्सप्रेस वे, अभी तक हम आ रहे थे दिल्ली ताज एक्सप्रेस वे कह सकते हो, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, अब हम जिस पे चढ़ने जा रहे हैं वो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे हम लेफ्ट लेंगे तो ये चढ़ जाएंगे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। मैंने पहले कभी इस एक्सप्रेस वे पे नहीं गया, पहली बार इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ना होगा। ओ मतलब पहले पता होना चाहिए, ओवरलोडेड है। बजाज भाई आपके तो पक्का ओवरलोडेड है। चलते चलेंगे तो पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। बादल काले काले छाए हुए हैं, खतरनाक वाले बादल, ऐसे लगे 120। बीच में डोगी भी घूम रहे हैं, डोगी कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, रास्ते से हट जा डोगी। फिर से हमको बारिश मिल रही है, थोड़ी थोड़ी देर में फिर बारिश आती है फिर रुक जा रही है, अभी फिर से बारिश मिल गई है, अभी हमको हल्की फुल्की बारिश पूरे रास्ते में थी। अभी तो हमने उतार रखे, देखें अगर थोड़ी ज़्यादा आएगी बारिश तो फिर पहन लेंगे ओवर कोट। यहाँ पर भी बाइक का टोल है लखनऊ एक्सप्रेस वे पे 295, पहले वहाँ पे 205 था आगरा तक का, फिर यहाँ पे 295 है, वही लूट मचा रखी है पूरी पूरी, 295 रुपये अब यहाँ से देंगे। टोल है लखनऊ एक्सप्रेस वे का आगरा से, उस पर अभी हम चढ़े हैं और बार बार बारिश आ रही है, हमको पहनना पड़ रहा है रेनकोट, फिर रेनकोट से रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा मिल रही है कि फिर हम रेनकोट उतारना भी पड़ रहा है, लगातार रेनकोट पहन के उसकी जो टोपी सी होती है वो पीछे खींचती रहती है। तो अभी हमने उतारा है, अब हम ये
ये कोई रिवर है, पता नहीं कौन सी रिवर है, चंबल तो नहीं हो सकती, यमुना ही हो सकती है, यमुना दोबारा से पता नहीं, पर बड़ा अलग सा एरिया है, चंबल टाइप एरिया है, चंबल जैसा सुंदर, मज़ा आ रहा है। मौसम भी है बल्कि ठंड सा लग रही है, अभी सुबह चले थे तो गर्म में जैसा माहौल था, लेकिन बारिश हो के माहौल बहुत ठंडा हो गया है। ये पुल सा है, अजीब सा बना हुआ है, रेलवे पुल है शायद, मुझे लगा पता नहीं कुछ अजीब सा है, पर ये तो रेलवे पुल ही लग रहा है, रेलवे ब्रिज है। रास्ते पे स्ट्रीट लाइट भी है, अच्छा लग रही है, कितना मस्त लग रहा है विद स्ट्रीट लाइट्स। तो ये फिरोजाबाद है, इधर लेफ्ट में, वही कितना सुंदर लग रहा है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सीधा है लखनऊ, इधर पता नहीं मैनपुरी है या क्या है, सफाई भी सीधा है, और ये स्ट्रीट लाइट्स बहुत सुंदर लग रही है। हुआ रोड तो रोड है, लखनऊ 227 किलोमीटर अभी भैया बहुत दूर है भैया, हम सोचे थे बहुत आगे, अभी तो बहुत दूर है लखनऊ भैया 227, और तेल की तो सिर्फ 3 डंडी बच गई, तेल डलवाना पड़ेगा। खमरी खा रही है बहुत तेल, और अब हम बरा रहे हैं दोबारा से तेल तेल तेल, भाई बाइक से तीसरी बार तेल डलवा रहे हैं अभी तक, है ना, एक चलते हुए डलवाया था, फिर बीच में 400 रुपये का डलवाया, और अब डलवा रहे हैं हम फिर से तेल। हवा भर के चल रहे, देखना थोड़ा सा, ओके अब हम निकल दिए हैं, हवा भरवा ली, हवा में पता नहीं क्यों ही ऐसे लग रहा था कि हवा कम है, ठीक ही थी, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क था, चलो फिर भी ऑन अ सेफर साइड डलवा लेना बेटर है। मच्छरों का आतंक है इसलिए बाय, मच्छरों का खून पी जाएंगे हम, हेलमेट को टक्कर मारते हैं ना लाइक कह के। बारिश हो रही है बट ये रास्ता बहुत ही बोरिंग है, रात हो गई लेकिन थोड़ा थोड़ा पूरा रोड गिला है, और रोड गिला भी है, और उस पर रोड गिले रोड पे हम चल रहे हैं, और इसी वजह से बार बार वाइज़र भी ख़राब हो रहा है रोड, लेकिन बहुत बोरिंग है, मतलब आप यू कैन फील स्लीपी। हमने कॉन्स्टेंटली विद इन द लिमिट में स्पीड पे चल रहे हैं, अभी 170 किलोमीटर बाकी है, लेकिन हम चले जा रहे हैं और ये जायद भाई ने अपनी एक्सप्रेस बना रखी है, जायद भाई की एक्सप्रेस गाड़ी, क्या बात है, कितने आराम से चला रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं कोई कुछ नहीं। और ये रंगीन कितना लग रहा है यार, ज़बरदस्त लगता है जब स्ट्रीट लाइट्स आती है, एलईडी लाइट्स लगा रखी है मस्त। दूसरा स्टॉप लिया है हमने, यहाँ से अब 100 किलोमीटर ले गया लखनऊ, यहाँ पे अभी चाय पियेंगे और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, फिर निकलेंगे आगे हम। समोसा एंड कॉफी, क्या ले आए? नहीं आपके भाग्य में, आज आज कुत्ता भी आ गया है, वो भी पकोड़े भी खा जाएगा आपके। शिवा शिवा ने एक हमको कॉफ़ी पिलाई है बढ़िया सी, अभी ख़त्म कर दी हमने कॉफ़ी, शिवा अभी मिले हमको 227 क्या किलोमीटर पे, 227 किलोमीटर जो आगरा से कैंटीन है वहाँ पे शिवा काम करते हैं, और ये खूब पढ़ाई करेंगे अभी आगे। लाइट कितनी अच्छी लग रही है राइट साइड में, जो डिवाइड करती है दूसरी साइड और इस साइड का,
अभी 70 किलोमीटर रह गया है लखनऊ, लगता है लखनऊ ही रुकना पड़ेगा, थक गए हैं थोड़ा सा, चले थे फिर बारिश में वैसे भी थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करके चलाना पड़ा, तो सोच रहे हैं लखनऊ ही रुक जाएंगे कहीं आउटर में या लखनऊ पार करके। कल भी काफ़ी किलोमीटर है, आसान नहीं रहने वाला। 295 रुपये की जो कटाई थी अब यहाँ डिपॉजिट कर दिया, तो अब फिर अब जरूरत तो नहीं इसकी। चलो ठीक है, आप हम 302 किलोमीटर पे पहुंच गए, लखनऊ के पास पहुंच गए। अब हमको यहाँ से प्लान करना है कि हमने कहाँ जाना है। अभी जयद भाई अपना जादू मंत्र, जादू वाला तंत्र निकालेंगे और मार्गदर्शिका से पूछेंगे कि मार्गदर्शन दे कहाँ लेके जाएं। रुकते हैं देख के कोई जहाँ पर, और अमर भाई का वेट कर रहे हैं, पुराने डोमिनार के चैंपियन, और जायद भाई और अमर भाई ने बहुत सारी वो कराई, सो वो शायद आगे रुके हुए हैं। लखनऊ जायद भाई बताएंगे कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, लखनऊ पहुँच गए एंड वी हैव मेट अमर भाई से मिले हैं, और प्लेजर मीटिंग सच्चा लॉन्ग टाइम। हेलो जायद भाई, बहुत दिनों बाद मिले भाई के साथ, इतनी सारी राइड्स करी है ना, बहुत मिस करता हूँ यार मैं राइड्स सारी, बहुत ज़्यादा करते हैं हम भी, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, मिस करते हैं। मुझे याद है मैं नई नई डोमिनार लेके आया था और वहाँ लेके गए थे आप लॉस्ट लेक, सो लॉस्ट लेक में हमने पहली बार लॉस्ट हुए थे हम, सो फाइनली वी हैव ट्रैक्ड हिम डाउन टू लखनऊ, और हम लखनऊ में आके इनको पकड़ लिया है, और हम यहाँ बैठ के इनके साथ ही चाय पानी पियेंगे। करना चाह रहे हैं अभी भी, अरुण अमर भाई से मिले थे और अभी निकल लिए आगे, सो और आगे हम अभी अराउंड अयोध्या तक हम पहुंचने का प्लान है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर हो रहा है यहाँ से, अभी वहाँ पे किसी होटल में रुकेंगे और सुबह फिर अराउंड 300-350 आगे है सनोली बॉर्डर। हाँ, बहुत ख़राब रास्ता है भाई। सो बेसिकली लेफ्ट साइड में लखनऊ का शहर है अगर अंदर जाना चाहें तो, और पता नहीं हमको कौन सी साइड जाना है। सारा लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर से होके हम जा रहे हैं, अब हम जाएंगे अयोध्या तक। लखनऊ शहर में रेड लाइट पे खड़े हैं जायद भाई और मैं, तो यहाँ से हाँ ब्रिज बड़ा सुंदर सा है, मेट्रो है क्या ये, मेट्रो है तो हाँ। यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं, आज आज का चौथी बार तेल डल रहा है, और तेल डलवा डलवा थक गए हम, एवरेज अच्छी नहीं दे रही गाड़ी, यूट्यूब पे डलता है हैं। हाँ आप लोग दिखाई पड़ेंगे YouTube पे, सब्सक्राइब कर लेना YouTube पे डाल देना बहुत ही हम लोग सब और क्या, सब लोगों को YouTube पे डाल, ठीक है। हाँ कोई होटल सा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, सुंदर सा होटल, बड़े होटल ही होटल है इस साइड यार, अच्छा लग रहा है लखनऊ का होटल। होटल का रजवाड़ा, रजवाड़ा रजवाड़ा होटल है, हल्की हल्की बारिश है, बहुत हल्की है, हाँ बहुत हल्के हल्के बूंदाबांदी सी है। ये रजवाड़ा लखनऊ में, इसमें रुकने का प्लानिंग कर रहे हैं, 1500 रुपये में कमरा मिला है एसी वाला। हाँ ठीक है, आगे वहाँ ले जाऊँ आगे से, ठीक है आगे बिल्कुल रूम तक कमरे तक ले जाए ना, हाँ हाँ आप ले लो ना, आईडी रख लो ले आना, ये कह रहा आगे करने को, कोई गाड़ी आ रही है पीछे से, कहाँ आगे घास घूस पे भी लेके जाऊँ क्या,
फुटपाथ तो बहुत छोटी सी है। अच्छा चढ़ा दी, पहुंचा दिया। ये तो सच में वो है, ये तो मैरिज पैलेस है। अब हम इस मैरिज पैलेस में 102 की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं। 102 दिख गया। अरे इतने सारे तो कमरे थे, दिस इज द कमरा जिसमें आज हम रुकेंगे, लखनऊ में रजवाड़ा। टॉवल वगैरह दे देना बेटा।